बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन में महाघमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि माले ने गठबंधन की हार का जिम्मेवार कांग्रेस को बता दिया है, तो वहीं चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पार्टी माले के मुखिया दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई, कांग्रेस 70 सीटें संभाल नहीं पाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि दीपंकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है महागठबंधन के हार का। क्या कुछ कहा है दीपंकर भट्टाचार्य ने, आप सुनिए इस वीडियो में। आप लोग कह रहा है कि जो लोगों पर कर स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिशिंग नहीं हो पाई, उसको तो हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि बिहार का मूड बहुत साफ दिखा, बिहार बिल्कुल इस सरकार से निजात पाना चाहता था और नहीं हो पाया। खैर उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दे सामने आए, जो बिहार का एजेंडा इस बार सामने आ गया, मैं इसके लिए बिहार के नौजवानों को सलाम करता हूँ, बिहार के मजदूरों, किसानों, सबको सलाम करता हूँ। और इसी संघर्ष को हमें जारी रखना है। हमें लगता है कि बिहार ने ये तय कर दिया कि आने वाली जो भी सरकार है उसको किस एजेंडे पर काम करना है, इसी पर ये सरकार कटघरे में रहेगी, जनता हिसाब लेती रहेगी और सरकार को जवाब देगी। क्या लगता है चूक कहाँ हो गई कांग्रेस, क्या कांग्रेस से थोड़ी चूक हो गई, क्या लगता है? अब इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमज़ोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई, और हो सकता है कि कांग्रेस की कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें